यार प्लीज मैं आपके 30 सेकंड लूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आप लोग। सबसे पहला काम है भाई सब्सक्राइब तो कर लो यार, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है ना उसको पहले जाकर देख लीजिए, और हाँ इस वीडियो में 1000 लाइक तो पूरे कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, हैव अ लुक। कैसी कैसी हरकत कर रहा है हराम को? Oh, no. रुक चोटे, बताता हूँ तेरे को, वहीं आ रहा हूँ। तेरी तो मैं फोन मारा बे तेरा बाप चोटे। ए पापा मेरे को आंखों मारो तुम यार, मैंने क्या चोरा तुम्हारा? मेरे को बहुत जोर से लग गई पिछवाड़े में, मेरी जेब से 1000 रुपए का आया मैं। Oh, no. मतलब तूने क्यों चुराया? अरे राम 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 पापा, मम्मी से डरते तो क्या हुआ, भगवान से डरो, ऐसे सही लड़के पे चोरी का इल्जाम लगाते हो। ए भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मरना है ना तेरे को, ले फिर मर। अरे पापा मेरी बात सुनो, मैं तो बस क्या के निकला पापा। अरे मम्मी, अरे पापा मेरे को बड़ाई बड़ाई मार रहे मम्मी मेरी। अरे बात सुनो पापा। अरे रुकोगे क्यों, जानवर की तरह पीट रहे हैं मेरे बेटे को। हाँ देख ले मम्मी कैसा बड़ा बड़ा मारा पापा जी मेरे को, सफा लाल कर डाले। अबे लौटन की बात, भागता है क्या नहीं यहाँ से? ओ मम्मी देखना फिर मार रहे हैं मेरे को। अरे तुम चुप रहोगे? अरे ओ नालायक चल तू वहाँ से। अरे देख क्या रहे जाना वहाँ, तुम भी इसको जानवर की तरह पीट रहे थे, अगर उसे कुछ हो जाता तो एक ठो तो आ दो। अरे एक चल है तो क्या चाटू उसको? चोटा कहीं कहा मेरा 1000 रुपए चुरा लिया हराम घोर ने। वो कहावत सही है, एक पूत हंडी छोड़ पर रही है मैं मुंह। इसने तो पूरा गीला कर दिया हराम खोर ने, ऊपर से लेके नीचे तक। अरे यार बाबा वो अभी तक आया नहीं है यार, सुबह के 9 बज गए यार, कहीं अपने पैसे लेके भाग भूगा तू नहीं गया? तू मेरे को चमका मत यार सन्नाटा, मैंने अपनी बकरी बेच बाच के पैसे दिए। नहीं बाबा सन्नाटा सही बोल रहा है, मेरे को तो लगता है वो हमको फसा फुसुक भाग गया। मैं पहले ही कहा था यार बर्बाद कर देगा वो हमको, कहा की काम उसकी बातों में आ गए। पापा ने बहुत मार दिया यार। कौन आया? अरे देव का ही फोन है, पागल समझा इसने हमको, बताता हूँ इसको। हेलो देव। अरे रोटी में कम पड़ गया आटा, तो किधर है रे सन्नाटा? क्या देव पागल समझा क्या तूने हमको? सुबह से फोन लगा रहे हम तेरे को। अरे तू तो बेजज गरम हो रहा है यार, पूरी बात तो सुन ले मेरी। अरे क्या सुन ले यार, पैसे देने के बाद भी कल कार नहीं ले पाया तू, और बड़ा बोलता है एक सीजन में पैसे अदा हो जाएंगे, सीजन खत्म हो जाएगा लेकिन कार नहीं आने की लगता है। हाँ ना चने फुटाने जो 21 दिन में खरीद डालेगा तू। मैं तो हेलीकॉप्टर भी तो नहीं खरीद रहे तू, जो महीनो लग जाएंगे। अरे मेरे भाई सन्नाटा तेरे को मैं आके समझाता हूँ यार, तू पहले मेरे को ये बता किधर बैठा है अभी? अरे ये तो बैठे नाले के ऊपर आम के नीचे। अरे रुको यार मैं अभी आ रहा हूँ। अब यार लेकिन मैं कैसे जाऊंगा यार, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन ये तो गाड़ी है काका की। Oh, no. तू कैसे पागल होगा पे, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी साइकिल जा रहा है तू पे। ओए मां अरे कहां जा रहा है, मेरी साइकिल ले गया यार। अभी तक क्यों नहीं आया ये, चल चल। अरे मेरे भाई शांत रहेगा तू, अरे मुन्ना की साइकिल लेके भागा था वहां से, रास्ते में पंचर पड़ गई, वो नाले में फेंक के आ रहा हूं उसको। तू तो मेरे ऊपर बेजे गरम होता सन्नाटा तू यार। तू ना भड़कूंगा यार, सपना दिखा कर भाग गया तू, साली रात भर नींद नहीं आई हमको, क्यों बाबा? हाँ ना सपने में कार चलाते चलाते मेरा डीजल खत्म हो गया। अरे मैंने तो रात भर पंचर बनाया हूँ सपने में। अरे अब तेरे को क्या बताऊं यार पिकिया, जब बनाओ पक्का मकान ना तो लगती ईटा है, और सपने के चक्कर में मेरे बाप ने मेरे को बेजा पीटा है। अरे पीटा से याद है यार अपने पीटे कहाँ पर है? अरे उसके बाबू ने बेजा मारा आज उसको सुबह सुबह। क्या वो भी पीट गया, लेकिन क्यों? अरे कार लेने के लिए बोदा बेच दिया ना इसके लिए। अरे बेटे की किस्मत ही खराब है रे,
रुक उसको फोन लगाता हूँ मैं भी। तेरी कौन सी बड़ी अच्छी किस्मत है। तूने कुछ खा रहे सन्नाटा? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। हेलो, अरे क्या हो गया रे पिंटिया? अरे मत पूछ यार भाई देव, अरे वो बोले चक्कर मेरे बाप ने मेरे को बजा मारा यार, सब कुछ छोड़ा लाल कर दिया है। और ये उसका भाई भी यार, मैं घूरता घूरता यार, वो देखना कैसे देखता है मेरे को। तूने भी काय को बोलता बेचा होगा यार। अरे तू भी अजीब बात करता है यार देव, नहीं तो क्या खुद को बेच के कार लेता मैं। अरे हाँ यार पिंटिया, तू भी सही कह रहा यार। पिंटिया तू एक काम करना यार, हम नाले के ऊपर खड़े हैं आम के नीचे, तू यहाँ पर आ जा, अपन लोग कार वाले के पास चलते हैं। अरे नहीं यार देव, तू मुझे बात कर लो उससे, मैंने भाई छोड़ लिया, मेरा बाबू बजा कर रहा है आज, भैया ठोकाई करेगा मेरी। एक काम कर, तू कार ले फिर फोन करना, मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, मैं कार वाले से बात करता हूँ, है ना। ओ भाई से कहाँ चल रहे हो भाई से? अरे यार ये तो नहीं आ पाएगा, भैंस चला रहा हूँ कहता है तो। अरे तो जब तक अपरत चलते हैं कार वाले के पास। अरे आने वाला, लगा उसको फोन। हाँ लगाता हूँ मैं उसको अभी। अरे यार किसका फोन आ गया? हाँ हेलो। अरे हेलो कार वाले भाई, तू हमको इतना परेशान काय कर रहा है? तू कार लेके आना भाई, सुबह हो गई यार। अरे भाई मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ तेरे को, तुम एक काम करो यार, आधे घंटे बाद मेरे को कॉलेज के पास मिलो। ठीक है, और सुनना कार वाले भाई, वो कार में थोड़ा डीजल ज्यादा लेके आना है। क्यों, ज्यादा लेकर क्यों आऊंगा भाई मैं? अरे मेरे भाई, मैं तो बस कह के देख रहा था यार, तू तो डर गया मेरी जान, जल्दी आ जा बस। ठीक है यार, चले कॉलेज के पास आ रहा है वो अपनी कार लेके। तो क्या अपन पैदल जाएंगे? नहीं तो क्या बाबा, तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आऊं मैं। चल जल्दी चलना भाई, कार लेंगे यार, वो आ जाएगा वहां पे। आधा घंटा हो गया यार, कब से अपन यहाँ बैठे हैं, अभी तक नहीं आए, पागल कहीं का कार वाला। देव अगर वो अभी नहीं आएगा ना, अपन नई कार ले लेंगे। ऐसा क्या? हाँ दिक्कत है, पास कितने पैसे पड़े जेब में? तो फालतू बात मत कर यार। तो तू भी फिर औकात रह के बात क्या करना, तू भी यहाँ भाई बोलता यार। अरे मेरे भाई अपन आज कार ले लेंगे ना यार, अपन यहाँ से घर पैदल नहीं जाएंगे, बात खत्म। क्यों पे क्या? तो मेरे भाई समझा करना तू यार थोड़ा सा यार। अरे यार देव अपनी कार आ गई, लाल वाली कहा था ना उसने। अबे हाँ यार, ये वाली कार तो है अपनी वाली। अबे भी उठा उठा इसको, उठा जल्दी उठा, चल जल्दी 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 चल, रख जल्दी रखना यार, चल चेक कर। बाबा गाड़ी में इंजन आई कि नहीं चेक कर, और स्टीयरिंग में डस्ट तो नहीं है? देखो बाबा भाई रोक दे भाई, कार आ गई। सब लोग चेक करो कार, उतरना भाई इंजन चेक करना है। उतरो उतरो उतरो, तू वहां पे देख पिक्या, तू टायर देख, टायर चेक कर, टायर चेक कर। तू काहे को हार्न मार रहा तू यार, चल ले। ठीक है भाई, कार तो एक नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्या बाबा? पिकिया तो भाई सुनो, अपनी बात पूरी पूरी जो हुई थी फोन में, वो हुई थी अपनी 25,000 रुपए में बात हुई थी, ठीक है ना, बराबर है सन्नाटा? अपन एक काम करते हैं, ये रहो भैया, इसमें है 3150 रुपए, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे 15 दिन के अंदर। अरे भाई सुन तो। अरे एक मिनट भाई रुक जा यार, अभी पिंडे का फोन करता हूँ यार, नहीं मेरे को परेशान कर रहा है, हमको कार ले रहे हैं हम लोग। हाँ बोल रहे पिंड, तू का फोन लगा था हमको यार? अरे कार लिया क्या यार, मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सब्जी भाजी है ना, तू चुप ही अपनी भैंस देखना यार तू यार। अरे तू कैसी बात करता है यार, मैंने 600 रुपए दिया हूँ बोधा बेचकर, चिंता कैसी नहीं होगी? बाबू की आपकी मार भी खाया हूँ मैंने। अरे हाओ मालूम है पिंड, तू चिंता कर, लेकिन अभी हम लोग कार ले रहे हैं, तू फोन रख दे अभी। चल फोन रख अभी। हाँ ठीक है ठीक है भाई, सुनो इसमें भाई 3150 रुपए, तुमको बाकी जो पैसे मिल जाएंगे 15 दिन के अंदर। तो सन्नाटा ठीक है मिल जाएंगे। अरे यार गाड़ी के कागज वागज तो चेक कर लो। हाँ यार बीमा फिटनेस पार्टनर्स कुछ है कि नहीं इसका? अरे मेरे भाई इंश्योरेंस फिटनेस पार्टनर सब कुछ दिखा दूंगा, पहले पूरे पैसे तो दे दो मेरे। अरे यार तू कल से पैसे पैसे कर रहा यार, तेरी कार कौन से फ्री मिले रहे तो सन्नाटा? हाँ तेरे को पैसे मिल जाएंगे ना, हम कमा घूमू के 15 दिन में दे देंगे। अरे पागल आगल समझो क्या तुम लोगों ने, कॉल कर करके जान खा गए मेरे, जेब में पैसे ऐसे है नहीं तुम्हारे। ए, कार वाले जरा हिसाब से बात करना, और रही बात पैसों की, तेरे को कल नगद मिल जाएंगे, सौदा हो गया है, और ये पकड़ 5 रुपए ब्याला, कल फोन करेंगे कार लेके आ जाना। अरे मेरे भाई सुन तो ले पहले, तू चुप रहना यार मैं बात कर रहा हूँ ना, और तू जाना यार कार लेके, क्या देख रहा है? तो जा रहा हूँ मैं। तो क्या यहाँ से घुस जाऊँ क्या? हट रहे वहाँ से। तो जाना तो जाना, तो गाड़ी लेने जेब में पैसे ऐसे नहीं है, पहले गाड़ी लेंगे। अरे बाबा निकल।
अरे क्यों यार, तू पागल पागल हो गया क्या? कल कहाँ के पैसे लाके देगा तू उसको? मेरे को क्या मालूम। तो फिर तूने क्यों जाने बोला उसको? अरे यार, वो जितनी देर रहता है ना उतनी बेइज्जती करता अपनी, और कोई मेरे मुंह पे बेइज्जती करे ना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे तो बाजू में जाके बर्दाश्त कर लेता पागल, अब अपन लोग कहाँ जुगाड़ करेंगे उसका? अरे यार देव, अपन कैसा करेंगे अब? बस यार, मेरे को तो नहीं लगता कि अपन कार ले पाएंगे, बकरी चरा उसी में फायदा वरना बर्बाद हो जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोलना तू यार, फालतू बात करता तू। और तू बता भैया कैसा करेंगे अब? तूने भगाया उसको? रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। अपन कार को फाइनेंस करवाते हैं। अबे यार, तो एक नंबर आइडिया यार, वरना पूरा सीजन निकल जाएगा, अपन लोग जो है ना बहुत ऐसी वैसे रह जाएंगे। लेकिन अपने को लोन देगा कौन? अबे गोचू बैंक देगी ना। हैं? ऐसा मिल जाएगा लोन? बेजा कागज पत्थर मांगते हैं वो लोग, और अपने पास चेक नहीं है। हाँ यार, सन्नाटा सही कह रहा है। अपन उससे चल के बात तो करके देखते हैं, कहीं धोखे से लोन फाइनेंस मिल गया तो। हाँ यार, चलो चलते हैं अपन, जो होगा देखा जाएगा। चल केनाई कमिल अंदर साइड। मैडम जी। ओए माँ। हाँ ये बैठिए। आ जाओ। थैंक यू मैडम जी। बैठना बैठना। बैठ जा। बाबा कुर्सी थोड़ी कम है तो तू खड़ा रहे, 10 मिनट की बात है फिर अपन चलते हैं यहाँ से। मैं क्यों रहूंगा खड़ा, पैसे बराबर दिया हूँ ना, इज्जत ही बराबर मिलना चाहिए। ओए माँ। हाँ आजा आजा, कुछ बैठ जा यहाँ पर, बड़े पैसे घमंड बता रहे तू। अरे सर हेलो, ये ऑफिस है आपका घर नहीं, जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहादुर जी मैडम, एक चेयर लेकर आना। जी मैडम। ले बैठ जा। बैठ रहा हूँ ना तो। हाँ सर बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैडम तो तू ही बोल ले फिर, मैं शांत रहता हूँ। अरे मैं ऐसे यूं ही कह रहा था, तू ही बोल ले। बोल। एक्चुअली मैडम, टुडे वी वांट कार, सो टुडे वी आर गोइंग टू बाय अवर कार, सो सर आपको इंग्लिश नहीं बन रही है तो आप हिंदी में बोलिए ना। नहीं मैडम, मैंने मैडम इंग्लिश ना मुंबई में सीखा था मैडम, लेकिन यहाँ पर आके मैं भूल गया मैडम, तो मैं आपको सारी बात मैडम हिंदी में बता रहा हूँ। मैडम हम लोग कार ले रहे हैं तो जिसके लिए हमको लोन फाइनेंस करवाना है। ओके मिल जाएगा। अरे मैडम जल्दी दे दो हमें, हमारे पास टाइम नहीं है, कार लेना है। सर कहाँ तक पढ़े हैं आप? ये और कार की बेइज्जती करवाता होगा यार। दूसरी क्लास तक पढ़ाऊँ मैडम? आपकी शक्ल से लग रहा था मुझे, आप शांत रहिए, आप थोड़े पढ़े लिखे लगते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ। हाँ मैडम पढ़ाऊँ मैंने मैडम, आप मेरे को समझाइए मैडम, पर तुम लोग शांत रहो यार। हाँ बोलिए मैडम। ओके हमारे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, वो आप लेकर आइएगा। ओके 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 मैडम, आप बताइए मैडम क्या क्या देना पड़ेगा हमको, वो कागज वागज में बता दो हमको। ओके सर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या लेकर आना है। तो सर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, 2 गारंटर और बाकी सब इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने पहले से कहा था ना बेइज्जत कागज लगते हैं। शांत रहना तू यार। मैडम एक्चुअली ना मैडम हमारे पास मैडम एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मैडम, सिवाय आधार कार्ड के। और मैडम रही बात आप गारंटी वाली मैडम, तो इससे घर वाले जो है ना मैडम इसकी खुद की गारंटी ले पाने की मैडम। तू अपनी बता ना यार। तू भी भेजा गरम होता यार, तू शांत है ना भाई, अपन सब एक ही कैटेगरी के तो है। देखिए सर हमारी जो फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरी करना पड़ेगा, वरना ये लोन आपको नहीं मिल पाएगा सर। अच्छा क्यों मैडम, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है सर, आप इस रास्ते से बाहर जाइए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। करवा लेना अपनी बेइज्जती तूने। तुम भी ना मैडम प्यार से नहीं बोल सकते, वो आपको समझ में नहीं आता है ना सर। अरे सब समझ में आता है मैडम जी, अब तुम हमको ज्यादा मत समझाओ। अरे तू चलना यार। सॉरी मैडम, आप इसकी मुंह मत लगी मैडम, इसके मुँह से बहुत बदबू आती है। तू भी ना देव। अरे मेरे भाई तू शांत रहेगा, चुपचाप चलना मैडम, चल 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 चल। बैंक में अकाउंट नहीं है और लोन लेने आ गए। अरे अपने को लोन नहीं मिल पाएगा। अरे बाबा ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास में कहाँ हैं? अरे कौड़ी तू चाय लेके आया? अरे तू ये सब छोड़ यार, अपन अपनी सेटिंग को किराए कार में घुमा लेंगे, ये कार बार नहीं चाहिए अपन को। अरे पिंटिया तू पागल है क्या, मैं पीछे हटने वाले में से नहीं पिंटिया। हाँ तो दे एक काम कर, तू आगे बढ़ जा, हमको पीछे छोड़ दे, तेरे चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। बस मान गए यार। अरे बिना मेहनत करे जय जय कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे छोड़ दे ये सब, कागज में अच्छा लगता है, 2 दिन से कोशिश तो कर रहे हैं। अरे हाँ ना यार देव, घर वाले पे जगा ली देते होंगे, तू जल्दी से कोई भी दिमाग लगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लगता है। हाँ ना यार, 2 दिन से भूखी मेरी बकरी ये कार के चक्कर में। रुको यार कुछ सोचता हूँ। देख यार देव, ऊट पटांग आइडिया लेके मत आना, अब हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन उसके पास तो है।
लेकिन किन के पास? अरे मेरे भाई सुनो, पास में आना, दीवारों के भी कान होते। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? अबे सही है यार। आओ यार देव, तू जल्दी से फोन लगा, शाम तक कार अपने घर में होगी। अरे लगाता हूँ ना पिंटिया, तुम भी सुनो और आप भी सुनो, हम करते हैं जितनी मेहनत, माने आज तक हमको उतना ही फल दी है, और कार खरीदेंगे धनतेरस को, ऐसी भी क्या जल्दी है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लगे रहो हमारे साथ में, पार्ट 3 बहुत ही मजेदार होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।